बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इम्पीडेंस। हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इम्पीडेंस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम में जो है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट हो रहा है। नॉन इन्वर्टिंग में हम सिग्नल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर देते हैं, जबकि फीडबैक सर्किट जो कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सर्किट है वो उससे जो और फीडबैक वोल्टेज है वो हम हमेशा जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट पर देते हैं। ठीक है जी, ये आर एफ और आर आई जो है आपका फीडबैक सर्किट डिफाइन कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें हमारे पास जो है V इन या V डिफरेंशियल अगर देखा जाए, दैट इज V डिफरेंशियल क्या होगा, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। और V पॉजिटिव पर जो हमारे पास है वो इनपुट क्या है, V इन है, जबकि V नेगेटिव पे जो हमारे पास इनपुट आ रही है वो वी एफ की इक्वल फीडबैक वोल्टेज की इक्वल आ रही है। ये V नेगेटिव जो है वो वी एफ की इक्वल आ रही है, जबकि V पॉजिटिव जो है वो V इन के इक्वल आता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंशियल है, या इसको अगर हम रीअरेंज करें तो V इन इक्वल टू V डिफरेंशियल प्लस V एफ के इक्वल आ गया। हमें जैसे पता है कि फीडबैक वोल्टेज किसके इक्वल होगी, दैट इज दी अटेन्यूएशन। यहाँ पर जो R I over R I प्लस R F है वो क्या है, हमारे पास फीडबैक सर्किट का अटेन्यूएशन है। तो इसको हम क्योंकि एक्चुअली आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, या हम यहाँ पर वी एफ कैलकुलेट करें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के तहत हमारे पास वी एफ इक्वल टू होता है आर एफ आर आई ओवर आर एफ प्लस आर आई इंटू वी आउट, जो कि वी आउट का कुछ पार्ट को फीडबैक कर रहा है टू द इन्वर्टिंग इनपुट एज अ वी एफ। और यहाँ पर जो आर आई और आर आई प्लस आर एफ है उसको हम अटेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट दैट इज बी कह रहे हैं। तो हम वी एफ को लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू द बी वी आउट। इस वी एफ की वैल्यू जब हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वी इन इक्वल टू वी डिफरेंशियल प्लस बी वी आउट आ जाता है। फर्दर हमें यह भी पता है कि वी आउट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द ओपन लूप गेन इंटू द वी डिफरेंशियल, जो कि ये जो वी आउट है वो किसके इक्वल होता है, ओपन लूप गेन मल्टीप्लाई बाय द वी डिफरेंशियल। तो यहाँ पर हम वी आउट की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, वी आउट की यहाँ से वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वी इन इक्वल टू आ जाता है वी डिफरेंशियल प्लस ओपन लूप गेन इंटू बी इंटू वी डिफरेंशियल। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो हमारे पास वी डिफरेंशियल की दो टर्म्स आ रही है, ये दोनों कॉमन ली जाए तो वी इन इक्वल टू वन प्लस ओपन लूप गेन इंटू बी इंटू वी डिफरेंशियल। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है इनपुट जो है इनपुट इम्पीडेंस अगर हम जेड इन डिफाइन करते हैं और इनपुट करंट क्या हो हमारे पास आई इन हो, इनपुट इम्पीडेंस मीन के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस। और इन दोनों इनपुट्स के अक्रॉस हम कह लेते हैं कि कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट क्या होगा, वो वी डिफरेंशियल को डिफाइन करेगा डेफिनेटली। तो जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली इन दोनों इनपुट के डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर इम्पीडेंस के क्रॉस कुछ ना कुछ करंट, आइडियली तो वो जीरो होगा लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, वो करंट क्या होगा आई इन डिफाइन करेगा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है हम वी डिफरेंशियल की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं इनपुट इम्पीडेंस इन टू द इनपुट करंट। तो यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस हमारे पास वो इनपुट इम्पीडेंस है जब हम क्या कर रहे हैं फीडबैक सर्किट नहीं कनेक्ट कर रहे, यानी कि ओपन लूप इम्पीडेंस कहलाती है। ओपन लूप इनपुट इम्पीडेंस दैट इज विदाउट द फीडबैक सर्किट, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है विद फीडबैक सर्किट, जिसको हम कह रहे हैं जैसे कि हमने इससे पहले भी क्या किया था ओपन लूप के साथ साथ आपने क्या किया था क्लोज लूप गेन भी कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्लोज लूप इम्पीडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि क्या होगी रेशियो ऑफ द वी इन ओवर आई इन होगा। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में वी इन तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है और ये जो आई इन है
राइट साइड पर इसको डिवाइड करता हूँ लेफ्ट साइड पर, तो ये वी इन ओवर आई इन इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे पास टर्म है 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बी इनटू जेड इन आ जाता है जी। और ये जो हमारे पास है ये क्या है लेफ्ट साइड पर, दैट इज द इनपुट इम्पीडेंस है इन द केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग पैरेंथेसिस के अंदर ये जो टर्म है ये डिफाइन कर रहा है नॉन इन्वर्टिंग केस है, दैट इज इक्वल टू द 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बी इनटू जेड इन जेड इनपुट। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम देखें तो जो आपके पास इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग केस में इनपुट इम्पीडेंस है वो ओपन लूप इन्वर्टिंग ओपन लूप इनपुट इम्पीडेंस के इक्वल नहीं आ रही बल्कि उससे ज्यादा होगी, कितने ज्यादा टाइम होगी ओपन लूप गेन इनटू बीटा फैक्टर टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब आउटपुट इम्पीडेंस के लिए हम देख लेते हैं कि ये सर्किट डायग्राम के सिग्नल हमारा यहाँ पर अपीयर हो रहा है वो सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या है एक्चुअली ओपन लूप इनटू वी डिफरेंशियल, ठीक है जी। और ये हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस है दैट इज इम्पीडेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड, ठीक है जी। ये अब यहाँ से करंट क्योंकि हमने आउटपुट यहाँ पर लेना होता है, ये आउटपुट हमारा पॉइंट है जो कि फीडबैक सर्किट के अक्रॉस आरएफ के इस एंड पर हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो सिग्नल है जब यहाँ पर आउटपुट पर अपीयर होगा तो आउटपुट इम्पीडेंस की वजह से कुछ सिग्नल जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस भी लॉस होगा, ज्यादा जो वी आउट है वो वी आउट जो है वो ओपन लूप गेन इंटू दी वी डिफरेंशियल की इक्वल नहीं होगी बल्कि इससे कुछ कम हो जाएगा सिग्नल लॉस होकर, दैट इज दी आउटपुट जो है हमारे पास आएगी ओपन लूप इंटू वी डिफरेंशियल माइनस जेड आउट आई आउट, यानी कि कुछ सिग्नल जो है हमारे आउटपुट इम्पीडेंस की अक्रॉस लॉस होने की वजह से जो अब आउटपुट हमारे पास आएगी वो ओपन लूप वी डिफरेंशियल की इक्वल नहीं आएगी बल्कि उससे कम होगी, कितनी कम होगी ये राइट साइड पर हमारे पास इक्वेशन डिफाइन हो रही है, या हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ भी लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। जैसा कि ओपन लूप वी डिफरेंशियल अगर हम देखें तो वो आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा, हम आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर जो टॉप पर इक्वेशन है उसको हम री राइट करें तो वी आउट हमारे पास आ जाएगा ओपन लूप इंटू वी डिफरेंशियल। यहाँ पर हम वी डिफरेंशियल की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास क्या होगा वी इन और वी यानी कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट के डिफरेंस है, क्योंकि वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव के डिफरेंस हम जो कह रहे थे पिछली स्लाइड में भी हमने बात की थी, दैट इज दी वी डिफरेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ दी वी पॉजिटिव इन वी नेगेटिव, और वी पॉजिटिव हमारे पास किसके कोला है वी इन के कोला है, और वी नेगेटिव पर जो पोटेंशियल अपीयर हो रहा है वो फीडबैक वोल्टेज है, और फीडबैक वोल्टेज हमारे पास किसके कोला होती है बी वी आउट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी आउट हमारे पास आ जाएगा ओपन लूप इनटू वी इन माइनस बी वी आउट। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास वी आउट की दो टर्म आ रही हैं, ठीक है जी। तो हम इस इक्वेशन को ओपन करते हैं और वी आउट वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस ओपन लूप इनटू बी अटेन्युएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट इनटू वी आउट इक्वल टू द ओपन लूप इनटू वी इन। अगर हम यहाँ पर आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए दैट इज द रेशियो ऑफ द वी आउट ओवर आई आउट, और हम यहाँ से अगर देखें तो वी आउट को लिख सकते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि हमने आगे जाकर इन्वर्टिंग केस में भी आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, लिहाजा यहाँ पर इम्पीडेंस को जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास ओपन जो अबव इक्वेशन हम उसको री राइट करने हैं लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास राइट साइड थी ओपन लूप इनटू वी इन और लेफ्ट साइड थी 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बी इनटू वी आउट, और वी आउट की जगह हमने पुट कर दिया आई आउट इनटू जेड आउट। तो हमने यहाँ से जेड आउट कैलकुलेट करना है, जेड आउट को हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जेड आउट इन द केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग दैट इज इक्वल टू द ओपन लूप गेन इनटू वी इन ओवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बी इनटू आई आउट। और अगर ये टर्म देखा जाए तो हम वी इन ओवर आई आउट की बात करें इसको, बल्कि यहाँ पर अभी हम बात नहीं करते इसकी, हमारे पास वी आउट जो है वो किसके इक्वल होता है जैसे हमने अभी बात की थी दैट इज इक्वल टू द ओपन लूप इनटू द वी इन। तो यहाँ पर हम आउटपुट
और यहाँ पर हम वी इन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वी इन की जगह हम पुट कर सकते हैं या तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दैट आउट इम्पीडेंस जो है आउटपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग उसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं ओपन लूप इन टू वी इन की जगह हम क्या कर रहे हैं वी आउटपुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या जाएगा वी आउट ओवर वन प्लस बाकी टर्म ज्यादा चीजें हैं। और अगर हम देखें वी आउट ओवर आई आउट है वो हमारे पास किसके के होगा, वो हमारे पास होगा जी आउटपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द ओपन लूप जब हम फीडबैक सर्किट नहीं लगा रहे थे, तो ये आउटपुट इम्पीडेंस का फार्मूला आ गया हमारे पास इन द केस ऑफ द क्लोज लूप गेन विद द नेगेटिव फीडबैक सर्किट, जो कि आउटपुट इम्पीडेंस जो है ये आउटपुट इम्पीडेंस है ओपन लूप के केस में जब हम कोई फीडबैक सर्किट नहीं लगा रहे थे, और ये आउटपुट इम्पीडेंस उस केस में आ रही जब हमने फीडबैक सर्किट कनेक्ट किया था। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट फीडबैक सर्किट जो है वो क्या कर रही है वो इंक्रीज कर जाएगी, सॉरी डिक्रीज कर जाएगी विद द एज कंपेयर टू द ओपन लूप। नेक्स्ट इज द वोल्टेज फॉलोअर इम्पीडेंस। वोल्टेज फॉलोअर इम्पीडेंस जो है वोल्टेज फॉलोअर का केस जो है हमारे पास वो है जो नॉन इन्वर्टिंग का एक स्पेशल केस है जिसमें हम आउटपुट को 100% फीडबैक कर देते हैं टू द इनपुट, जबकि सिग्नल जो है वो हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर ही दे रहे होते हैं। तो जब 100% हम फीडबैक कर रहे होते हैं तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास 1 होगी, 1 को अप्रोच करेगी मैक्सिमम जो है वो होगी। हम जब बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं वो तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम देखते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस हमारे पास क्या आ रहा था, जस्ट हमने इनपुट इम्पीडेंस के अंदर जो है बी की वैल्यू 1 कर देंगे तो हमारे पास जो है इनपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द वोल्टेज फॉलोअर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ वो क्या होना चाहिए 1 प्लस ओपन लूप डिवाइडेड इन टू जेड इन आना चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर बी था उस बी को हमने 1 कर दिया, तो ये इनपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द वोल्टेज फॉलोअर। इसी तरीके से आउटपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द वोल्टेज फॉलोअर यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ रही थी, बी को हमने क्या किया 1 कर दिया था। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं कि सिग्नल जो है वो भी हम इन्वर्टिंग इनपुट पर देते हैं जबकि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ग्राउंड कर देते हैं। जब हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर रहे हैं तो इन्वर्टिंग इनपुट भी क्या होगी हमारे पास जीरो पोटेंशियल होगी, जिसको हम कहते हैं वर्चुअली ग्राउंडेड। दैट्स मीन कि आपके पास जो है ये एंड भी क्या है जीरो पोटेंशियल पर चला गया, तो अब दोनों एंड और ये एंड भी क्या है ऑलरेडी जीरो है, तो हम इसको कह सकते हैं ये यूं कनेक्टेड है। ठीक है जी, इसका मतलब कि आपके पास जो है इनपुट्स के दरमियान जो इम्पीडेंस है या हम यू कह लें इसको, सॉरी हम कनेक्टेड ना शो करें, तो इनपुट्स के दरमियान जो है हमारे इस इनपुट के दरमियान और इस इनपुट के दरमियान जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास सिर्फ आ रही है, तो इसलिए हम इनपुट इम्पीडेंस को कहते हैं अप्रोक्सीमेटली दैट इज आर आई। बाकी भी फैक्टर आते हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। ठीक है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें के साथ क्या आ रही होगी इनपुट इम्पीडेंस आ रही होगी जो कि हम कहते हैं जो कि इसके साथ पैरेलल में आ रही है, तो पैरेलल में हमारे पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है आपके पास जो है दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज आर आई और इनपुट इम्पीडेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किसके खिला रहा होगा द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है तो लिहाजा हमारे पास जो है इनपुट इम्पीडेंस जो है वो आ रही के इक्वल होगी। एक्चुअली जो है इनपुट इम्पीडेंस जो है वो आ रही और इनपुट इम्पीडेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनपुट इम्पीडेंस ये जो है ये इतनी ज्यादा होती है मेगा ऑर्डर के ओम मेगा ओम के ऑर्डर की होती है, तो लिहाजा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास आ रही को अप्रोच कर जाता है। ठीक है जी, आउटपुट इम्पीडेंस वैसे ही जो कि हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग केस है उसी के इक्वल आती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।